हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। आज हम बात करेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल बायर के साथ। एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो था, उसमें मैंने छोटे से थोड़े से पॉइंट बताए थे कि बेसिक जो एक न्यू कमर यूज़ करता है और या तो एक जो कंपनी जो एक दो साल का एक्सपीरियंस हो वो चीज़ें फॉलो करती है। आज की वीडियो में देखेंगे कि डिटेल में कि आपको किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप रिप्रेजेंट करते हो, ताकि आप वो डील इजिली क्रैक कर सकें। ये वीडियो उस सीरीज का पार्ट है जहाँ पे मैंने देखा बताया था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हाउ टू फाइंड बायर्स फॉर योर बिजनेस, उसके एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा था कि अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है, और प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि एक छोटे से बेसिक पॉइंट्स जो आप शायद आपके लिए नए हो सकते हैं। अब ये वीडियो डिटेल्स में है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा ताकि शायद आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिले। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट आई कैन क्रिएट मोर वीडियोज़ लाइक दिस, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए और बेहतर। सो लेट स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन है, ये होने के बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है यू कैन डायरेक्टली गिव मी अ कॉल। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है। और आप अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ भी सीखना है या तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग का जानना है कि कैसे क्या है, सो मेरे सेशंस होते हैं, आप इस पर भी ज्वाइन कर सकते हो। कॉल कर लीजिए, वी कैन डिस्कस। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। देखिए, अब एडवांस लेवल में जो कंपनी का एक्सपीरियंस होता है, लोगों के एक्सपीरियंसेस वगैरह, उनका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है ताकि आपको हेल्प मिले, कि रादर देन आप एक बेसिक को लेके चले। तो एडवांस में क्या होता है आपको इस चीज़ के ऊपर कि आपको सबसे पहले होना चाहिए प्रोडक्ट नॉलेज। रिप्रेजेंट की बात करें तो प्रोडक्ट नॉलेज, आप कोई भी प्रोडक्ट लोगे ना, बायर आपको कुछ भी बोल सकता है कि इसको बनने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो सकती है, ठीक है, या तो उसका साइज, वेट, वॉल्यूम एक कंट्री में कितना जाता है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि प्रोडक्ट का हर चीज़, हर पहलू आपको पता होना चाहिए। दूसरा, उसका प्राइसिंग। प्राइसिंग में क्या होता है कि जब आप ऑन टेबल बैठते हो ना मीटिंग के लिए, आप उनको बोल सकते हो कि जो मेरा प्रोडक्ट है मार्केट का कॉम्पिटिटिव प्राइस में ये दे सकता हूँ आपको, बॉटम आप सोच के चलना कि मैं इसके नीचे नहीं आ सकता, बट उसको नेगोशिएट पे कैसे करना वो आपके ऊपर है। तो प्रोडक्ट नॉलेज के बाद आपको देखना है कि प्राइस कौन सा है, कि आप जिस भी कंट्री में विजिट कर रहे हो उस बायर के साथ, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप इंडिया की से किसी भी पार्ट से हो। सपोज करो यू आर फ्रॉम मुंबई, तो आपको JNPT से आपको एक्सपोर्ट कर रहे हो, यू आर नॉट फ्रॉम मुंबई, मतलब आप JNPT से कर रहे हो बेसिकली, आप किसी भी इंडिया से किसी भी कोने से हो बट आपको करना है एक्सपोर्ट मुंबई से। सपोज तो आप मुंबई से कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए आप जिसके साथ मीटिंग करने वाले हो तो CHA से पहली फ्रेट ले लो कि इस कंट्री से उस कंट्री के पोर्ट तक का कितना फ्रेट के चार्जेस आता है। ठीक है, CHA से बात करो कस्टम क्लियरेंस का, ताकि जब आप ऑन टेबल बैठते हो ना तो बायर को बोलने के लिए कह सकते हो कि इट विल कॉस्ट यू दिस दिस, मेरे प्रोडक्ट का ये कॉस्ट है और फ्रॉम इंडिया टू योर पोर्ट इसका इतने इतने चार्जेस है। तो जब बायर को आप एकदम फ्रिक्वेंटली आंसर करोगे ना, तो बायर भी देखेगा कि हाँ मुझे इतना इतना कॉस्ट पड़ता है, तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट थिंग इज प्रोडक्ट, सेकेंड थिंग इज आपकी प्राइसिंग। आप ये बोल सकते हो कि आपको इम्पोर्ट ड्यूटी भरना ही नहीं पड़ेगा, तो बायर बोलेगा हाउ कैन इट बी पॉसिबल। तो आप जो भी कंट्री आप सिलेक्ट करते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस कंट्री का इंडिया के साथ क्या ट्रेड एग्रीमेंट है। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्सपोर्टर खुद इसके ऊपर वर्क नहीं करता है, पहला पॉइंट, और इंपोर्टर को भी इतना वो ध्यान नहीं रखते कि हाँ मैं इसमें से करूँगा। हालांकि CHA बता देगा, बट कभी कभार ऐसे बायर्स मिल जाते हैं आपको कि वो वहाँ पे करते रहते हैं। जब आप उनको ये बताओगे ना कि आपको इवन इम्पोर्ट ड्यूटी भी नहीं भरनी पड़ेगी, ऐसे भी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट उस कंट्री के साथ हो रखा है, जब आप उनको वो एक्सप्लेन करोगे ना तो वहाँ पे उस मीटिंग में फिर वो भी इंटरेस्ट लेगा कि यार ये तो सही है कि आज तक हम इंपोर्ट ड्यूटीज यहाँ से इस कंट्री से लेते तो इतना ड्यूटी भरते हैं, यहाँ से लेंगे तो एक तो प्राइस भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा दे रहे हो आप, और उनको अच्छा एजुकेट भी कर रहे हो कि आपको ये चीज़ें है। ठीक, अगर ये चीज़ें होती है तो समटाइम्स क्या होता है कि आप जब नया ऑर्डर लेते हो ना, तो आपको कोई भी बड़ा एक्सपोर्ट का कंसाइनमेंट का ऑर्डर नहीं देता है। होता है, मिल जाएगा, मैं कमीशन की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, एक न्यू लाइक नॉन पेरिशेबल की बात कर रहा हूँ, मैं पेरिशेबल आइटम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सपोज करो आपने लेदर का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, या तो स्पाइसेस का, तो कोई भी पर्सन आपको पूरा कंटेनर भर के लेदर है तो पूरा कंटेनर भर के स्पाइसेस नहीं दे पाएगा क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा था। तो आप ये बोल सकते हो कि आप अगर ये इम्पोर्ट ड्यूटी के अलावा आप ये बोल सकते हो कि मैं आपको डोर टू डोर डिलीवरी दे सकता हूँ। क्लाइंट बोलेगा यार ये तो मतलब उसके लिए भी एक्साइटेड हो जाएगा ना कि आप इंडिया से उसके डोर टू डोर उसके फैक्ट्री तक सर्विसेज दे रहे हो। तो इस चीज़ में आपका फ्रेट फॉरवर्डर का मतलब नेटवर्क आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आपका आप जिस भी CHA को चूज़ करते हो कि उस कंट्री के वहाँ तक उसका ऑफिस तक डिलीवरी दे पाएगा कि नहीं, इनका नेटवर्क होता है पूरा। तो आप बताओ कि कितना इम्पोर्ट ड्यूटी क्या लगता है, तो आप जब भी जाओ तो ये मीटिंग में आप सारे पॉइंट रेज करो कि आपको इम्पोर्ट ड्यूटी देने पड़ेगी बिकॉज ट्रेड एग्रीमेंट है।
अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट है कि जहाँ पे स्मॉल कंसाइनमेंट है, आप क्रैक करना है, आप उनको बोलो कि मैं आपको डोर टू डोर सर्विस देता हूँ, आपको जो भी स्मॉल कंसाइनमेंट है मैं उसको आपको एड्रेस पे पहुँचा दूंगा, इवन यू डोंट नीड टू पे ड्यूटी इसमें भी। अब ये कैसा आएगा कि उस कंट्री में जितना भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है आप पहली कोटेशन में डाल दो, आप बोल सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको ऑर्डर मिलेगा और वो बात की बात है कि आप छोटे को, छोटे कंसाइनमेंट को बड़े कंसाइनमेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद आप इसके ऊपर ध्यान रखना कि अगर मान लो उस कंट्री में ड्यूटी लगता है खेवी, तो बायर को तो पता ही है बट आपको भी पता होना चाहिए। आप जब कैलकुलेशन बताओगे ना, आप उसको बताओ, अगर वो मान लो ऑलरेडी किसी कंट्री से ले रहा है तो आप बोलो कि इंडिया से भी ऐसी ऐसी चीज़ है, अगर मान लो फर्स्ट टाइम उसका भी इम्पोर्ट होगा तो आपको उसको बताना पड़ेगा। कि आप ये नहीं बोल सकते कि सर आप अपना पूछते रहना कि कितना वो है, पर्सन कब लेता है आपसे बाय करता है कि जब उसको पूरा पिक्चर क्लियर हो कि मुझे मेरे तक कितना पड़ेगा, तो आप उसको बता सकते हो सर अगर आप हमसे लेते हो तो आपके कंट्री में कस्टम क्लियरेंस के चांस चार्जेस इतने इतने, आपको सिर्फ कस्टम क्लियरेंस पे करना है, या तो सर इतना इतना ये है, आप ये चीज़ें वो कर सकते हो, ठीक है। स्मॉल स्मॉल कंसाइनमेंट है देन उनको ऑफर करो DDP करके पेमेंट टर्म्स है, वो करो आप, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि माइनर से माइनर डिटेल के ऊपर आपको वो काम करना है, ठीक। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सपोज करो कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप कितना ले रहे हो, वो चीज़ें क्लियर करो कि अगर 1000 pieces मंगवा रहा है तो ये कॉस्ट लगेगा, 2000 मंगवा रहा है ये कॉस्ट लगेगा, 3000, 5000, 500। तो आपको पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि जब आप मीटिंग में बैठते हो ना तो ज़रूरी नहीं कि एक ही बंदा आपसे बैठे हो, कंपनी के पूरे हेड डिपार्टमेंट आपके साथ बैठ सकता है बात करने के लिए। सो दे आर गोइंग टू आस्क यू, क्योंकि वो आपसे भी पहली बार मतलब प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो माइट बी वो भी आपसे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी से स्टार्ट करो। तो आप उनको बताओ कि अगर आप छोटे कंसाइनमेंट से मिनिमम मान लो मेरा 500 pieces का ऑर्डर है, ये लोगे तो इतना कॉस्ट लगेगा, 1000 pieces लोगे तो इतना लगेगा, 1500 लोगे तो इसका, तो एक उनको भी आइडिया आ जाएगा कि हाँ हमारा अगर हम इनसे इतना क्वांटिटी ले रहे हैं तो फ्रेट होने के बाद हम कितना प्रॉफिट, तो उनका पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रांजिट टाइम पता होना चाहिए कि अगर इंडिया से उस कंट्री में जा रहा है तो सर इट विल टेक बाय फ्लाइट से इतना ये लगता है, बाय फ्लाइट से मान लो आपको प्रोडक्ट और इतना टाइम लगेगा, और अगर बाय शिपिंग है तो आपको 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। आप देखो और उनको बताओ कि इंडिया से यूजुअली इतना टाइम लग जाएगा आपका प्रोडक्ट आपके डेस्टिनेशन पर पहुँचने में, ठीक। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर LCL है तो डिफरेंट LCL मतलब लेस कंटेनर लोडेड, जो मैंने बताया छोटे छोटे थे ना, तो आप उसका एजुकेट कर सकते हैं मिनिमम ऑर्डर के हिसाब से, और पैकिंग और कस्टम पैकिंग भी हम आपको दे सकते हैं। तो ये जब आप चीज़ें ऑन टेबल बैठोगे ना, तब आपको ये चीज़ों के ऊपर पूरा वर्कआउट करके जाना, 100% आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको बायर के साथ डील क्रैक करने के लिए। आई होप थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक दो पॉइंट तो कुछ नया समझ आया होगा, अगर समझ आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में कुछ जानना है या पूछना है या सीखना है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग की बात करो स्पेशली, उसमें मतलब मेरे न्यू पॉइंट्स होते हैं वो मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, तो आप वो सीख सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन है, आप यू कैन गिव मी अ कॉल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो गाइज, थैंक यू।